हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ एंड ब्यूटी स्टेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है जिसमें मैं नीविया ब्रांड की दो क्रीम्स कंपेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट क्रीम इज नीविया क्रीम एंड अनदर इज नीविया सॉफ्ट क्रीम। ये दोनों भी क्रीम नीविया ब्रांड से है एंड आई विल कंपेयर इट फॉर यू टूडे। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। फ्रेंड्स, फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं पैकेजिंग के बारे में। सो नीविया की जो ये स्मॉल क्रीम है, ये टिन पैकेजिंग में आती है। इसमें प्लास्टिक टब भी आता है। एक्चुअली नीविया क्रीम बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में आती है, तो मैंने स्मॉलेस्ट पैक खरीदा है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पैक एंड एमआरपी ऑफ दिस इज 39 रुपीज ओनली एंड द क्वांटिटी ऑफ दिस क्रीम इज 30 ml। एंड ये जो नीविया की सॉफ्ट क्रीम है, इसका मैंने स्मॉलेस्ट पैक खरीदा है। एमआरपी इज 85 रुपीज एंड दिस इज 50 ml। सो फ्रेंड्स, इफ यू कंपेयर बिटवीन द प्राइसिंग, नीविया क्रीम थोड़ी सस्ती है नीविया सॉफ्ट क्रीम से, बट दोनों का स्मॉलेस्ट पैक बहुत अफोर्डेबल है टू ट्राई आउट। अब हम नाउ देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्सचर एंड देन विच स्किन टाइप इट इज सुटेबल फॉर। तो पहले मैं बताती हूँ नीविया सॉफ्ट क्रीम लाइट मॉइस्चर क्रीम के बारे में। दिस इज एनरिच्ड विथ विटामिन ई। ये विटामिन ई के साथ आती है, बाकी इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है दोनों क्रीम्स के। नाउ देखते हैं टेक्सचर इसका। तो नीविया सॉफ्ट क्रीम का टेक्सचर थोड़ा क्रीमी है। दिस इज द टेक्सचर एंड आई शो यू ऑन टॉप ऑफ माय हैंड। सो दिस इज द नीविया सॉफ्ट क्रीम। जैसे आप देख सकते हो, ये सॉफ्ट है इन टेक्सचर एंड क्रीमी है। अब हम देखते हैं नीविया क्रीम का टेक्सचर कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये है नीविया क्रीम का टेक्सचर। नीविया क्रीम थोड़ी सी थिक है एज कंपेयर टू नीविया सॉफ्ट क्रीम। ये एज अ कोल्ड क्रीम आप यूज कर सकते हो। मैंने इसको एज अ कोल्ड क्रीम बहुत सालों तक यूज किया है। मैं इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज करती हूँ कभी कभी, जब स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, स्पेशली इन विंटर्स। दिस रियली वर्क्स वेल। इवन मेरे स्किन डॉक्टर ने भी मुझे इसे रिकमेंड किया था टू यूज इट एज अ कोल्ड क्रीम एंड नाइट क्रीम। सो ये है दोस्तों दोनों भी क्रीम्स, आप देख सकते हो। दिस इज अ सॉफ्ट क्रीम एंड इट इजिली गेट्स ब्लेंडेड इन टू द स्किन। एंड नाउ आई विल ब्लेंड नीविया क्रीम फॉर यू। सो ये थोड़ी सी थिक है एज कंपेयर टू नीविया सॉफ्ट क्रीम। तो ये है नीविया की क्रीम। थोड़ी सी हेवी है ये, एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लेती है बिकॉज दिस इज लाइक अ बटर। ये बहुत ज्यादा क्रीमी है एंड बहुत ज्यादा थिक है। तो ये है मॉइस्चराइजेशन का इफेक्ट दोनों भी हाथों का। बोथ हैंड्स आर वेरी नाइसली मॉइस्चराइज्ड। फ्रेंड्स, इफ आई कंपेयर फ्रेग्रेंसेज बिटवीन दिस टू प्रोडक्ट्स, देन बहुत लाइट फ्रेग्रेंस है लाइट मॉइस्चराइजर का। निविया क्रीम का भी बहुत रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है। तो फ्रेग्रेंस वाइज बोथ आर ओके। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट। निविया सॉफ्ट क्रीम इज इक्वली मॉइस्चराइजिंग, इट इज सुटेबल फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन। एंड निविया क्रीम जो है ओरिजिनल, दैट इज सुटेबल फॉर नॉर्मल टू वेरी ड्राई स्किन। Both creams are not suitable for very oily skin, to be very honest with you, because my T-zone is oily and if I apply any of these cream, then I get little bit sticky. So what I do is I apply these creams as a winter cold creams and mostly as night creams whenever required. So if you are someone with normal to dry skin or very dry skin, you can go with Nivea cream. And if you are someone with normal to combination skin, you can go for Nivea soft cream as it really moisturizes very well and absorbs quickly. So friends, my quick review on comparison between these two products is, this cream is suitable for dry skin, very dry skin and normal skin. You can use it as a night cream or as a cold cream in winters. If you are someone with normal to combination skin, you can go for Nivea soft cream. It easily gets absorbed into the skin and gives non-sticky look. But if you are someone with very oily skin, both of these creams are not for you. You can go with any gel based light moisturizer. So friends, ye thi comparison between two creams from the brand Nivea.
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.